गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रहे, ना ही कोई ब्लॉग है, और आज है अनबॉक्सिंग। ये जो न्यू मैंने परचेज किया है, कोई भी फेस्टिवल होता है लाइक होली, राखी या दिवाली है, तो उसमें मेरा होता है कि कुछ नई ड्रेसेस या गिफ्ट जहाँ हम परचेज करते हैं, वहीं किचन के लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ नया परचेज करती हूँ। तो इस बार मैंने लिया है ये विनोद कंपनी का स्टेनलेस स्टील मल्टी कढ़ाई, जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है। तो चलिए इसी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने परचेज किया है, मीन्स ऑफलाइन ही परचेज किया है। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मार्केट जाओ और वहाँ पे और भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो वहीं से परचेज करना चाहिए। तो चलिए इसको ओपनिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं एक कढ़ाई मिली है, दो इडली की स्टैंड है, और एक जो है पात्रा जहाँ फिर आपने मोमोज बनाने उसके लिए एक मिनी इडली है, और दो है ढोकला बनाने के, चाहे सूजी का बनाइए चाहे आपने बेसन का बनाइए। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें से कढ़ाई निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पास आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई है इसमें। तो जो मेरा पुराना वाला था ना इडली स्टैंड, उसमें ना क्रैक आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि बेटर है ना कुछ नए परचेज कर लें हम। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी कढ़ाई है, ठीक है, और इसमें साथ जो जो है सामान देते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ देखिए जहाँ पे हमें मिला है, ये देखिए, ये है पात्रा स्टैंड, जहाँ फिर इसे में आप वो भी बना सकते हैं लाइक मोमोज बनाने हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है, ये है। और ये जो है दो थाली हमें मिली है इसमें ढोकले के लिए, और काफ़ी बड़ी साइज की ये मिली है, ठीक है, मीन्स अलग अलग भी बना सकते हैं। इसमें बेसन का बना लो और इसमें सूजी का बना लीजिए, ठीक है, काफ़ी बड़ी है, उसमें डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इसमें इसको रखना कैसे है, इसमें पानी डालना है, यहाँ तक फिल करना है, ओके, और ये इसमें रखना है, और इसमें जो भी आपने मटेरियल बनाना है ये रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रखना है, अगर सेकेंड अगर मतलब अब यूज़ करोगे तो इसके बाद ये ढक्कन लगा देना, ठीक है। एट अ टाइम दो प्लेट ही लगेंगी, ठीक है, दो प्लेट ही लगेंगी, चाहे आप ये लगा लो और स्टीम करनी है तो स्टीम की तो फिर एक ही लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसमें जो इडली स्टैंड है, ये देखिए, ये है मिनी इडली बनाने के लिए। मैंने पता नहीं अभी कितनी बनेंगी, इसमें काफ़ी सारी हैं, देखिए ये मिनी इडली के लिए है, ओके, और ये है बड़ी इडली बनाने के लिए। 7 इडली एट अ टाइम बनेंगी, और इसमें इसमें बनेंगी 7, ठीक है। ऐसे ही आपने सेम करना है, पानी डालना है, इसको रखना है, और इसमें जो भी आपने इसमें ऑयल लगा के, जब भी मैंने नेक्स्ट इडली बनानी तो इसी में बनानी, क्योंकि पुराना तो गया मेरा और ये देखिए ऐसे रखना है, ठीक है। और अगर आपने एक बड़ी इडली बनानी है, एक छोटी इडली बनानी है, तो इसको रख दीजिए, है ना। तो इसीलिए इसका नाम जो है मल्टी कढ़ाई है, तो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है ये कढ़ाई, किचन के लिए तो स्पेशली आपको नया नया सामान चाहिए ही, तभी जो खाना बनाने में एक्साइटमेंट रहती है। तो ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है फ्रेंड्स, अगर आपने सब्जी बनानी है, पूरियां तलनी है, तो इसमें आप आराम से तल सकते हो, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। ये सारा सामान मैंने परचेज किया, नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ जो मैंने गिफ्ट के लिए लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है, ये इडली पॉट है, खाली इसमें इडली बनेगी। इसको मैंने अब क्या इसकी ओपनिंग करनी है, यहीं से आप देख सकते हैं। तो इसमें एक मिनी इडली बनाने के लिए इसमें फ्री मिला है, तो इसमें MRP है 2400,
प्लस है इसका एमआरपी, लेकिन मुझे ये मिला है 1300, अराउंड 1400 ही पड़ा है जी। ठीक है, ये देखिए इसमें एट अ टाइम 24 इडली बनेगी, 6 प्लेट है इसमें, और एक जो है मिनी इडली की वो इसके साथ फ्री मिली है। ठीक है, इसमें लिखा है 1 प्लेट मिनी इडली फ्री है इसके साथ। तो ये हॉरिजन कंपनी का है और मद्रास में आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छी होती है, तो ये वहीं का है मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो दिल्ली में रहते हैं तो वो तो भाई वहाँ जा ही सकते हैं, और जैसे ये देखिए 2 प्लेट्स, मतलब वहाँ आप जाएंगे ना फ्रेंड्स, इतना अच्छा अच्छा सामान है, आपका दिल करेगा ये ले लो वो ले लो। तो मैंने ये ली है, देखिए प्लेट्स कितनी अच्छी हैं। तो इसमें आप सांभर डाल सकते हैं, इसमें चटनी, और इसमें इडली चाँ फिर बड़ा वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें 3 कलर थे, ये वाइट, पिंक और हल्का सा ग्रे कलर, तो तीनों कलर बड़े अच्छे थे, बट वाइट इज माई फेवरेट। तो फ्रेंड्स किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जब भी नियर बाय मैं इडली बनाऊंगी तो इसी पॉट में बनाऊंगी, क्योंकि वो पुराना वाला वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है क्योंकि वो पुराना हो गया था। ओके, तो ऐसे ही अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास कहीं रहते हो तो आपको सभी को पता होगा कि वजीरपुर जो है स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के और बहुत सारी किचन गैलरीज है वहाँ पे, जहाँ पे कि आपको लेटेस्ट सामान मिलता है। एक बार विजिट जरूर करना, आपको भी बहुत पसंद आएगा, और सामान तो खैर वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, और प्राइस जो है कंपेयर करें हम मार्केट से तो यहाँ पे काफ़ी कम है। जैसे अब मैंने बताया कि इसके ऊपर MRP तो 3200 प्लस है, बट ये मुझे 2200 का पड़ा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो है जो मैंने गिफ्ट के लिए लिया है वो प्राइस 2400 है, वो मुझे 1300 प्लस का पड़ा है, मीन्स 1400 का पड़ा है। तो फ्रेंड्स आज यही था ब्लॉग, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो आप भी जरूर परचेज कीजिए। और साउथ इंडियन खाना तो सभी को पसंद है, और इसमें तो गुजराती भी बनेगा, क्योंकि अगर आपको ढोकला पसंद है सूजी का बेसन का तो इसमें आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए किचन में इतनी गर्मी है, मैंने सोचा चलो किचन में ही बना लेती हूँ। तो और ये जो मैंने प्लेट्स आपको दिखाई है स्नैक के लिए, ये इसका प्राइस है 129। ठीक है, ये मिली है मुझे 100 रुपीस की, एक प्लेट 100 रुपीस की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बस आज ये मैंने आपको दिखाना था कि अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप भी इस मार्केट में जा सकते हैं, और जो भी पुराना सामान है उसको डिस्कार्ड कीजिए और नया लीजिए। सारा जो सामान है वहाँ पे लेटेस्ट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी मिल जाती हैं जो किचन से रिलेटेड है आपको, और भी बहुत सारी किचन गैलरीज हैं। मैं तो मोस्टली सामान वहीं से लेके आती हूँ, और काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा ये जो वजीरपुर है इसके पास ही आपको कंप्यूटर मार्केट मिल जाएगी, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस ही है, और वहाँ पे कंप्यूटर का सारा सामान जो भी आपको उससे रिलेटेड सामान चाहिए लेटेस्ट वो वहाँ पे मिल जाता है। तो वो वहाँ पे अगर आप जाते हो उससे पहले दीप मार्केट पड़ती है अशोक विहार की, जो फेमस मार्केट है, तो वो एरिया जो है काफ़ी मीन्स शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। तो वो जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर विजिट करना, और जो सामान मैंने यहाँ से परचेज किया है जहाँ से उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मेंशन कर दूंगी। बहुत गर्मी आ रही है मुझे, मैंने यह सोचा कि आज किचन में शूट कर लेती हूँ, किचन में पंखा चल रहा है मतलब एक दो नंबर पे, बट स्टिल देख पा रहे हैं कि इतनी गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग यही था, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है लाइक तो करना ही है, साथ में शेयर भी कर देना, और अगर आपकी फैमिली फ्रेंड का वहाँ चक्कर लगता है तो शॉपिंग भी कर लेना। जैसे मैंने आपको 3 मार्केट आपको बता दिया, दीप मार्केट और जो बर्तनों के लिए वजीरपुर, और साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है कंप्यूटर मार्केट, कोई भी आपको कुछ भी लेना हो वहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो फ्रेंड्स चलिए यही एंड कर लेते हैं वीडियो का, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिसलाइक वाली क्या चीज़ है वो जरूर मेंशन करनी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा
इसका भी मेरे को फीडबैक देना कि कैसा लगा। बड़ा अफोर्डेबल प्राइस है, एक ही कढ़ाई में आपको इतना सारा सामान मिल रहा है। साउथ इंडियन खाना बना सकते हैं, गुजराती खाना बना सकते हैं और बहुत सारा चीजें है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यही मैं एंड कर लेती हूँ। और प्लीज प्लीज यार सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आप वीडियो वॉच नहीं करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बाय बाय। Bye.